उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर के प्रसिद्ध वासुदेव तीर्थ स्थल पर स्थित भगवान शिव के 51 फीट ऊंचे शिवलिंग के नीचे बने शिव मंदिर में भोले के भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। आपको बता दें कि प्रति वर्ष 150 किलोमीटर की दूरी तय करके हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए भंवरी भगवान भोले को खुश करने के लिए या किसी मन्नत को पूरा करने के लिए हर साल अमरोहा के वासुदेव तीर्थ पर स्थित मंदिर पर जलाभिषेक करते हैं। यहाँ मान्यता है कि यह प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों के साथ पहुंचकर जलाभिषेक किया था। तब से लेकर आज तक इस मंदिर की मान्यता सर्वाधिक है और यह मंदिर दूर दराज तक जाना जाता है। 2008 में जून ओधार के साथ इस मंदिर परिसर के ऊपर 51 फीट ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित किया गया था, जिसके बाद से इस मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लग गए थे और उसकी नकाक्षी बाहर से आए कारीगरों ने की थी, जिसके बाद इस मंदिर का दृश्य वास्तव में देखने लायक बनता है। इस मंदिर में बड़ी तादाद में जलाभिषेक करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस मौके पर पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। ये यहाँ पर वासुदेव धाम पर पौराणिक काल से ही भगवान शिव के यहाँ पर धाम पर शिवरात्रि का मेला यहाँ पर लगता है हमेशा से, और इस बार भी जो है यहाँ पर शिवरात्रि पर जो जल चढ़ता है तो उसका जलाभिषेक का कार्यक्रम यहाँ प्रातः 4 बजे से सुचारू रूप से चल रहा है, जिसकी रात को संभावना 11 बजे तक रहने की है। खड़ी कांवर जो आज का मुहूर्त है वो 5:23 पर लगभग है और 5:23 के बाद खड़ी कांवर यहाँ पर चलनी शुरू होगी। सुरक्षा व्यवस्था जो प्रबंध समिति के द्वारा की जाती है वो भी चाक चौबंद है और प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर पुलिस फोर्स का व्यवस्था की गई है, अन्यथा यहाँ प्रबंध समिति के द्वारा अपने वॉलंटियर्स हैं और CCTV कैमरे के साथ पूरा परिसर जो है वो कवर्ड है यहाँ पर। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।